तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। विकास एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपको इसी एलोवेरा से आउटपुट लेकर दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहे। चलिए वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये सेल ले लिया है और उसके बाद हम इसको खोलेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले खोल लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर की बॉडी को निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे खोल रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर की बॉडी को खोल लिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर की कैप को निकाल देते हैं। और उससे पहले इस सेल के ऊपर की पॉलीथीन को निकाल लेते हैं। तो मैं इस पॉलीथीन को निकाल रहा हूँ। तो मैं इस पूरी पॉलीथीन को यहाँ से निकाल लेता हूँ, इस सेल के ऊपर से। तो मैंने इसकी पॉलीथीन को निकाल लिया है और उसके बाद हम इसको बीच में से कट करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह से कट करना है। तो मैंने ये रेड मार्क कर दिया है और आपको यहाँ से इसे कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है। तो मैं इसको पूरा कट कर लेता हूँ। तो आपको इस सेल को बहुत ही आराम से कट करना है, वरना इसके अंदर का इलेक्ट्रोड टूट जाएगा। तो मैं इसे बहुत ही आराम से खोल लेता हूँ, इस सेल को पूरी तरह से। तो देख सकते हैं कि मैंने इस सेल को कट कर लिया है और उसके बाद हम इसको खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे खोल लिया है और उसके बाद ये इलेक्ट्रोड निकला है। तो मैं इस इलेक्ट्रोड को आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से ये इलेक्ट्रोड निकला है। तो मैं इसे थोड़ा साफ करके रख लेता हूँ। और उसके बाद ये जिंक निकला है, तो हम इस जिंक को साफ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से ये इतना सारा जिंक निकला है, इसमें हमारा काम हो जाएगा। तो मैं इस जिंक को साफ कर लेता हूँ इसमें से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस जिंक को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रोड है, तो हमें इसे इसकी कैप को निकाल लेना है, इस जिंक की। तो मैं इसकी कैप को निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस कैप को निकाल लिया है। और उसके बाद हम इस जिंक को लेंगे और इसे बीच में से कट कर लेंगे। तो मैं इसको बीच में से कट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है और उसके बाद हम इसको मोड़ेंगे। तो मैं इसको अच्छी तरीके से मोड़ लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ से मोड़ लिया है और इसके कोने पे से भी मोड़ लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस जिंक को मोड़ लिया है और दूसरे वाले को भी इसी तरह से मोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस जिंक की पत्ती को मोड़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस दोनों को मोड़ लिया है, इन दोनों जिंक को, और उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको एलोवेरा में लगा कर देखते हैं। तो देख सकते हैं कि मैं एलोवेरा के पेड़ के पास आ चुका हूँ और उसके बाद इस जिंक को और इस इलेक्ट्रोड को इस एलोवेरा में लगाएंगे। तो मैं इस जिंक को इस एलोवेरा के पौधे में लगा देता हूँ और उसके बाद इलेक्ट्रोड को भी मैं इसमें लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस इलेक्ट्रोड को भी इसमें लगा लिया है, इस पौधे में। तो मैं इस इलेक्ट्रोड को भी इसमें लगा देता हूँ। तो मैंने इस इलेक्ट्रोड और इस जिंक को इसमें लगा दिया है। और उसके बाद मल्टीमीटर लेंगे और इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। तो मैं इस मल्टीमीटर को अच्छी तरीके से रख लेता हूँ। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से रख लिया है और अब इसका मैं आउटपुट दिखाऊंगा।
तो देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आउटपुट निकल रहा है और ये 1.44 आउटपुट दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा आउटपुट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई भी वायर नहीं लगाया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आउटपुट दे रहा है। तो हमें 1.44 के आसपास इसमें आउटपुट दिखाई दे रहा था, तो मैं आपको अच्छे तरीके से फिर से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं 1.40-41 के आसपास हमें इसमें आउटपुट दिखाई दे रहा था, तो मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ कि मैं इसमें कोई वायर नहीं लगाया है। तो आप अच्छी तरीके से इसमें से देख सकते हैं, तो मैंने इसमें कोई भी दूसरा वायर नहीं लगाया है, ये बिल्कुल लाइव है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एलोवेरा को तोड़ दिया है और इसकी अच्छी तरीके से टेस्टिंग कराऊंगा। तो देख सकते हैं कि इसमें हमें 1.33 के आसपास वो आउटपुट दिखाई दे रहा था, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं 1.41 के आसपास आउटपुट दिखाई दे रहा था, मैं इस वायर को लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें बहुत ही अच्छा आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लाते रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आप